हाय गाइस, दिस इज अजय और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ आईवूमी एमई वन हैंडसेट, जो कि एक बजट डिवाइस है आईवूमी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं फोन कैसा परफॉर्म करता है। सो गाइस, ये है आईवूमी एमई वन का बॉक्स और बॉक्स के पीछे प्राइस दिया गया है 4899 यानी 4900 रुपए का, जिसमें वारंटी कार्ड है। हमारे पास यहाँ पे डिवाइस है, इन ईयर ईयरफोन्स हैं ब्लैक कलर के, 2-pin पावर अडाप्टर है और USB केबल है। तो डिवाइस पे ऑलरेडी स्क्रीन गार्ड चढ़ा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। पीछे डिवाइस आप खोलते हैं तो प्लास्टिक डिवाइस है, लेकिन मैट फिनिश है, जिससे एक अच्छी फील आती है फ़ोन पकड़ने में और अच्छी लुक भी आती है। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखिए, प्लास्टिक डिवाइस है, इस दाम पे प्लास्टिक डिवाइस ओके एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैटरी अच्छी दी गई है, 3000 mAh की बैटरी, और पीछे आप दो सिम कार्ड और साथ ही साथ एक microSD कार्ड डाल सकते हैं। तो हाइब्रिड सिम नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। काफ़ी फ़ोनों में, इनफैक्ट महंगे फ़ोनों में भी हमें हाइब्रिड सिम देखने को मिलता है, जो कि इस फ़ोन में ऐसी बात नहीं दिखती। ये एक अच्छा फीचर है। सो गाइस, ओवरऑल कलर्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। डिस्प्ले पे 5 inch का डिस्प्ले है, लेकिन मैं इसके कलर्स और ओवरऑल लुक एंड फील डिस्प्ले के से खुश नहीं हूँ। HD डिस्प्ले है, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है। और प्रोसेसर की बात करें, क्वाड कोर स्पेक्ट्रम प्रोसेसर इसमें डाला गया है, जो कि 26000 का स्कोर देता है एंटीटू बेंचमार्क पे। लेकिन जैसे ही जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स इसमें डालते जाएंगे और फ़ोन को और ओवर यूज़ करते जाएंगे, UI काफ़ी स्लो पड़ जाता है, तो मज़े वाली बात नहीं रहती। और जहाँ तक कि हैवी गेमिंग की बात है, हैवी गेम तो इसमें चल ही नहीं रहा है, लोड ही नहीं हो रहा है। मैंने ब्लड एंड ग्लोरी लेजेंड इसमें डाला, जो कि एक 350 MB का गेम है। तो आप लाइट गेमिंग इस फ़ोन पे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा गेमिंग के मामले में, हैवी गेम्स ये फ़ोन नहीं चला पाएगा। वहीं कैमरा की बात करें तो फ़ोन में आगे और पीछे 5 MP का कैमरा दिया गया है, पीछे फ्लैश भी है। तो मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, ये सारी इमेजेस आप क्लिक करके बड़ी करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो आउटडोर्स में इमेजेस ठीक आती हैं, ये देखिए फ्रंट फेसिंग कैमरा से सेल्फी ठीक आई है, कलर्स भी अच्छे हैं ये। लेकिन बाहर की इमेज की बात है, इंडोर्स इमेज उतनी अच्छी नहीं आती। और ये अगेन कैमरा ने आउटडोर इमेज खींची, जो कि ठीक ठाक आई। ऑप्टिमम लाइट में कैमरा ठीक ठाक इमेज प्रोवाइड कर देगा, लेकिन बहुत डिटेल्स का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, बजट डिवाइस है। ये सारी इमेजेस आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से बड़ा करके आप खुद ही ये सारी इमेजेस चेक कर सकते हैं दोस्त। दोस्तों, ये था एक रिव्यू आईवूमी एमई वन हैंडसेट का। फोन काफी सस्ता है, 4200 के करीब प्राइस है, और ऑनलाइन और भी कम का बिक रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी इन्होंने काफी अच्छी दी है, हालांकि फोन प्लास्टिक है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है और ग्रिप करने में भी अच्छा है। बैटरी 3000 mAh की इन्होंने इसमें प्रोवाइड करी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इतने सस्ते फोन को देखते हुए। कैमरा, अगर आपके रूम में डिसेंट लाइट्स हैं या फिर बाहर सनलाइट है अच्छी, तो कैमरा अच्छी इमेजेस दे देता है, और फ्रंट फेसिंग कैमरा भी अच्छा परफॉर्म करता है इस दाम पे। जो प्रॉब्लम है, जिस चीज से मैं ना खुश हूँ, वो है परफॉर्मेंस एरिया। गाइस, अगर आप कई सारे एप्स डाल लेंगे, जो कि आप रेगुलर यूजेज में धीरे धीरे डालेंगे, ही फोन स्लो पड़ने लगता है, UI थोड़ा स्लगिश होने लगता है। तो उस एरिया में मुझे इस फोन से थोड़ी शिकायत है। ओवरऑल एक ओके डिवाइस है, अगर आप बजट रेंज में मतलब फीचर फोन यूज करते हैं और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, लेकिन एक ओके-ish एक्सपीरियंस ये फोन आपको दे देगा एक काफी सस्ते दाम में। तो गाइज, अगर आपकी इस फोन को या किसी और डिवाइस को लेके कोई भी क्वेरी है, तो अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, एंड प्लीज यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज अजय गाइज, साइनिंग ऑफ।